श्री के बी अग्रवाल इंग्लिश मीडियम स्कूल से संगीता जालानी, कक्षा 10th, विषय हिंदी। पाठ आए हैं अपन पांचवे, मीरा का वध। तो मैंने आपको पहले भी 9th क्लास में बताया था और अभी पुराने जो वीडियो है उसमें भी बताया था कि किसी भी कवि के जन्म समय को देखकर हमको पता चल जाता है कि उसकी कवि की रचना में क्या होगा। तो मीराबाई का जन्म का समय क्या है? 1498 ईस्वी। 1498 में उनका जन्म है और मृत्यु है 1563 ईस्वी। तो ये कौन सा समय हुआ आचार्य शुक्ल के अनुसार? जो समय का विभाजन है, जो सबसे अधिक मान्य है, उसके अनुसार 1498 का समय यानी कौन सा समय हुआ? भक्ति काल। तो उस समय में सभी जो कवि हैं उन्होंने किसी न किसी तरह से किसी न किसी भगवान की भक्ति की है। तो उसका मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, सगुण और निर्गुण। और निर्गुण में ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री, प्रेम मार्गी और ज्ञान मार्गी, और सगुण में राम भक्त और कृष्ण भक्त। तो कृष्ण भक्त में के सर्वोपरि जो कवि है उसमें मीराबाई का नाम आता है। तो मीराबाई के कुछ ही पद है करीबन 7-8 जो मीरा पदावली के नाम से प्रसिद्ध है। तो उनकी जो रचना है वो हमारे इतिहास की अमूल्य धरोहर है। तो मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुर्की गांव में हुआ था राव रत्न सिंह राठौड़ के यहाँ, और उनके दादा कौन थे? दादू दयाल। तो जो दादू राव थे वो कृष्ण भक्त थे, विष्णु भक्त थे, तो उनसे ही उनको ये भक्ति की प्रेरणा बचपन से मिली थी। और उनकी शादी कहाँ हुई? जो राणा सांगा थे उनके पुत्र जो थे भोजराज, उनसे उनकी शादी हुई। तो विवाह के 7 साल पश्चात ही मीराबाई जो है विधवा हो गई। तो उनके जो देवर थे जो राणा संग्राम सिंह, उन्होंने उनको बहुत कष्ट दिए। तो इसके कारण मीराबाई बहुत परेशान हो गई। वो राजघराने से थी तो उनको पग में घुंघरू नहीं बांधने थे, नाचना नहीं था, लेकिन जो घर वाले थे वो उन्हें अपशब्द कहते थे और खरी खोटी भी सुनाते थे। और धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारी मीराबाई को यातना देना शुरू किया। किसी ने जहर का प्याला भेजा, कभी सांप भेजा, कभी क्या, उनको मारने की कोशिश की। तो फिर मीराबाई का जो है कृष्ण भक्ति तो शुरू से थी ही, लेकिन बाद में वो उनके कृष्ण के प्रति जो प्रेम था वो धीरे धीरे और बढ़ गया। वो संसार से विमुख होती गई और भगवान की तरफ उनका जो प्रेम है बढ़ता गया। तो जो भक्ति काल की ये जो कवियत्री है मीराबाई, आइए अपन उनके पदों को देखते हैं। तो पहली लाइन क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल। तो गिरधर का क्या मतलब हुआ? गिरी को धारण करना। कृष्ण भगवान ने अपनी छोटी अंगुली से गिरी को धारण किया था। कौन से गिरी को? गोवर्धन पर्वत को, इंद्र के कोप से बचाने के लिए, गोकुलवासियों को इंद्र के कोप से बचाने के लिए। तो मीरा क्या कह रही है? मेरे दूसरा कोई भी नहीं है। कौन है? गिरधर भी कृष्ण का नाम है और गोपाल भी कृष्ण का नाम है। गोपाल यानी गऊओं को पालन करने वाला, और गिरधर यानी गिरी को उठाने वाला, धारण करने वाला। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, उसके सिवा मेरा और इस दुनिया में कोई नहीं है। केवल गिरधर या गोपाल ही मेरा अपना है, बाकी दूसरा कोई भी मेरा नहीं है। गिरिधर, गिरिधर में कौन सा समास हुआ? गिरी को धारण करने वाला, तत्पुरुष समास। मैंने आपको अंगुलियों से बताए थे, क्या वापस रिवाइज करते हैं? ये पहला समास कौन सा बोला था? अव्ययी भाव। दूसरा तत्पुरुष। तीसरा कर्मधारय। चौथा कौन सा बताया था? अभी अपने को ये गिरी को धारण करना यानी कौन सा? तत्पुरुष समास, गिरी को धारण करने वाला। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा न कोई साधो, साधु को संबोधित करके कह रही है, दूसरा न कोई। सकल यानी सब, लोक यानी ये जो जगत, जोई यानी देख लिया है, जोई यानी मैंने देख लिया है, जोना यानी एक मारवाड़ी शब्द है। उनकी भाषा कौन सी है? मीराबाई की ब्रज भाषा है और हिंदी और गुजराती मिश्रित है। तो मारवाड़ी में जोई यानी देखना। तो सकल लोक जोई, मैंने पूरे संसार को देख लिया है, परख लिया है कि मेरा
श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं है। भाई चोड़िया, मैंने अपने भाई को क्या किया है, छोड़ दिया है। बंधु चोड़िया, बंधुओं को भी छोड़ दिया है। चोड़िया सगा सोई, जो भी जो सारे सगे थे, संबंधी थे, रिश्तेदार थे, मित्र थे, सबको मैंने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। वापस रिवाइज करते हैं, भाई चोड़िया, बंधु चोड़िया, चोड़िया सगा सोई, सभी सगों को मैंने छोड़ दिया है। साधु संग बैठी बैठी, किसका संग किया है मीराबाई ने, साधु का संग करके क्या कह रहे, बैठी बैठी लोक लाज खोई। तो लोक लाज खोई कैसे, उनके जो घर वाले वो ये कहते हैं कि तुमने साधु के संग में बैठ के हमारे घर की जो इज्जत है वो कहाँ मिला दी, मिट्टी में मिला दी। मीराबाई ऐसा नहीं मानती, लेकिन जो सारे लोग जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तुमने लोक में अपनी कोई इज्जत है वो गंवा दी है। साधु के संग बैठ के क्या किया है, अपनी इज्जत, लोक यानी ये जगत, उसकी लाज में गवा दी है, उसकी लाज को खोया यानी गमा दिया है, खोई यानी गुमा दिया है। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई। तो साधु संग में कौन सा समास हुआ, साधु का संग, किसका संग, साधु का संग। तो ये कौन सा समास हुआ, तत्पुरुष समास हुआ। तत्पुरुष समास में कौन सी होती है, कारक विभक्ति, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में, ये जो मैंने सारे आपको समझाया है। साधु का संग यानी कौन सा हुआ, तत्पुरुष समास। बैठी बैठी लोक लाज खोई, भगत देख राजी हुई। तो मीराबाई क्या बोल रही है, अब मैंने पूरे संसार को देख लिया है कि पूरे संसार में मेरा कोई नहीं है, तो जो भक्त है, साधु संत है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनको देख के क्या होती हूँ मैं, मेरे को खुशी होती है, राजी यानी खुश होना, प्रसन्न होना। तो उनको देख के मैं खुश होती हूँ, जगत देख ही रोई, और पूरे संसार को देख के मुझको क्या आता है, रोना आता है। क्योंकि संसार में क्या होता है, सभी व्यक्ति मतलबी होते हैं, कोई काम होता है तो वो हमें काम के वक्त कोई संसार वाले काम नहीं आते हैं। इसलिए मीराबाई को जगत को देख के रोना आ रहा है, क्योंकि पूरे जगत ने उनको क्या दिया, दुख दिया। तो भगत देख राजी हुई, जगत देखी रोई। अश्रुवर्ण जल सींच सींच, मीराबाई क्या कह रही है कि मैंने आंसुओं के जल से सींच के क्या किया है, प्रेम बेली बोई। तो प्रेम रूपी जो बेल है वो मैंने किससे, आंसुओं के जल से सींच सींच के उसकी प्रेम बोल बेल को बोया है। दधी मथी घृत काढ़ी लियो, हम दधी यानी दही को मथ के क्या करते हैं, उसमें से मक्खन निकाल के घी बनाते हैं। तो जो उपयोगी वस्तु है वो क्या कह रही है मीराबाई कि संसार का जो सार है वो मैंने निकाल लिया है, और जो बिना काम की चीज, बिना काम की चीज पीछे क्या बचता है, दही को मथने के बाद पीछे बचती है चाच। तो मीराबाई कह रही है घी, घी जो अमूल्य वस्तु थी वो मैंने निकाल के ग्रहण कर ली, और जो फालतू की चीज थी चाच, उसको मैंने निकाल के फेंक दिया। तो दधी मथी, दधी को मथा मैंने, घृत काढ़ लियो, घृत संस्कृत शब्द है, घृत यानी घी, तो घृत को काढ़ लिया है। संस्कृत शब्द जो हमारी हिंदी में आते हैं वो कौन से शब्द कहलाते हैं, तत्सम। मैंने आपको पहले भी भेद बताया है, जो तत्सम से बदल के आते हैं संस्कृत में, जो बदल के वापस कन्वर्ट से कन्वर्ट करके हम प्रयोग में लेते हैं वो कौन से कहलाते हैं, तद्भव। तो संस्कृत शब्द जो हम प्रयोग लेते हैं वो कौन से कहलाते हैं, तत्सम शब्द। तो घृत कौन सा है, तत्सम शब्द है, घृत यानी घी। तो दधी मथी घृत काढ़ी लियो, दधी को मथने के बाद हमने घी को निकाल लिया। डार दही चोई, चोई यानी चाच, डार दही यानी डाल दिया यानी फेंक दिया। राणा विष को प्यालो भेजियो, उनके जो देवर थे राणा जी, उन्होंने मीराबाई को मारने के लिए क्या भेजा, विष से भरा हुआ प्याला भेजा। प्रिय मगन होई, लेकिन मीराबाई ने वो प्याला जो है कहते हैं भगवान के सामने रखा, तो वो क्या हो गई, भगवान की प्रसादी हो गई। तो भगवान का प्रसाद समझ के, चरणामृत समझ के उसको पी लिया। प्रिय मगन होई, मगन होके नाचने लगी, लेकिन भगवान की कृपा के कारण कहते हैं उनको कुछ भी नहीं हुआ। इतना भयंकर हलाहल विष पीने के बाद भी
उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। तो राणा विश्व को प्यालो भेजियो पियो मगन होई, लेकिन उनकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वो मगन होके फिर वापस पांवों में घुंघरू बांध के नाचने लगी और अपने मन से भक्ति करने लगी। अब तो बात तो फैल गई। मीराबाई क्या कह रही है? पूरे जगत में ये बात फैल गई है। क्या जाने सब कोई, सब व्यक्ति जानते हैं क्या कि मीरा कृष्ण की दीवानी है, उनकी भक्ति कर रही है, उनको जगत की नहीं पड़ी है। मीरा राम लगन लागी। मीरा को किसकी लगन लागी है? राम लगन। तो राम के बारे में ये मत सोचना कि वो राम की भक्ति कर रही है, राम की नहीं, उन्होंने हमेशा कृष्ण को ध्याया है, उनके आराध्य देव कृष्ण ही है। तो नारायण भगवान के ये अवतार है, तो उन्हीं का एक अवतार कृष्ण है, एक अवतार राम है। तो राम उनको संबोधित उन्होंने जो किया है वो कृष्ण को संबोधित करके ही उन्होंने केवल नाम लिया है, उनके मन में कृष्ण ही बसे हुए हैं। मीरा राम लगन लागी। मीरा को कृष्ण किसकी लगी लगन लगी हुई है? कृष्ण की लगन। होनी होई सो होई, जो होना होगा, जो देखा जाएगा, जो होना होगा वो सोई, जो होगा मेरे को कुछ भी चिंता नहीं है। मैं किसकी भक्ति करूंगी? मैं कृष्ण की ही भक्ति करूंगी। दुनिया को जो सोचना है वो सोचे। तो पहला पद यहाँ अपना समाप्त हुआ। दूसरा पद है, एक बार मैं आपको गाके सुनाती हूँ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इस तरह से ये जो है मीराबाई का पद, आपको गाने की भी प्रैक्टिस करनी है। तो क्या कह रही है मीराबाई? पायो जी मैंने, मैंने पा लिया है किसको? राम रूपी रतन धन। ऐसा धन कौन सा? राम रूपी रतन धन को पा लिया है। तो जो सबसे अधिक कीमती होता है वो हीरा मैंने पा लिया है। कौन सा? राम नाम रूपी हीरा। वस्तु अमोलक, अमोलक जिसका कोई मोल नहीं है, वो अमोलक वस्तु किसने दी है मुझे? दी मेरे सतगुरु। ये राम नाम का जो मंत्र है, ये अमोलक हीरा है, वो मुझे किसने दिया? मेरे गुरु ने दिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपन आयो, उन्होंने कृपा करके मुझे अपना लिया और मुझे ये वस्तु जो अमोलक है जिसका कोई मोल नहीं है वो मुझे दी। जन्म जन्म की पूंजी पाई। तो मैंने जो जन्म जन्म से लोग जिसको पाने के लिए कोशिश करते हैं लेकिन उनको वो प्राप्त नहीं होती है, मैंने वह पूंजी प्राप्त कर ली है। तो जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबई खोवायो। तो जो जग के लिए कीमती होती है वस्तु वो मैंने सब खो दिया है। परिवार, सगे संबंधी, जो धन दौलत है, जो जग में जिसको हम क्या मानते हैं, अमोलक मानते हैं, वो मैंने सबको खो दिया है। मैंने किसको प्राप्त किया है? केवल राम नाम रूपी धन को प्राप्त किया है। जो जग वाली चीजें थी वो मैंने जग में सभी खोवा दी है, लुटा दी है। खर्चे नहीं कोई चोर न ले वे। मेरे पास जो धन है वो कितना भी मैं खर्च करूं वो खत्म ही नहीं होता है। तो खर्चे नहीं कोई चोर न ले वे, चोर भी मेरे धन को चुरा नहीं सकता, ऐसा मेरे पास जो धन है वो है। दिन दिन बढ़त सवायो, दिनों दिन वो सवा गुना बढ़ता जाता है, डबल नहीं, डबल से भी ज्यादा, तो वो दिन दिन बढ़ता जाता है। ऐसा है मेरे पास धन जिसको कोई व्यक्ति चुरा नहीं सकता और वो खर्च करने से समाप्त नहीं होता, वो दिन दिन बढ़ रहा है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु,
तो जो मेरे सत्य रूपी नाव थी उसको किसने किसके उसके खेवनहार कौन बने? सतगुरु। गुरु जी ने मेरी नाव को सत्य रूपी नाव को पार किया, खेवटा यानी चलाया है। सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो। भव रूपी ये जो सागर है, ये संसार रूपी सागर है, उससे मैं तैर गई। तो उसमें मेरे को मदद किसने की? मेरे सतगुरु ने इस संसार रूपी सागर से तैरने में मदद की। वो मेरे खेवनहार बने, भव सागर। भव सागर यानी भव रूपी सागर। तो ये कौन सा समास हुआ? कर्म धारय समास, जिसमें एक शब्द दूसरे की विशेषता बताता है। तो वो कौन सा समास होता है? कर्म धारय समास। तो भव रूपी सागर कौन सा समास हुआ? कर्म धारय समास। तो सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो। इस प्रकार मैंने संसार रूपी सागर को सतगुरु की सहायता से पार कर दिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु कौन है? गिरधर नागर, गिरधर गिरी को धारण करने वाले। हर खी जस गायो। मैंने हर्ष के साथ, दुखी होकर नहीं, भले ही संसार ने मुझे कितनी पीड़ा दी, घर वालों ने पीड़ा दी, तो भी मैंने हर्षित होकर खुश खुश से क्या किया है? भगवान के यश को गाया है। दूसरा पद आते हैं अभी तीसरे पद में। तीसरा पद कौन सा है? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मैं तो मेरे नारायण के आप ही हो लोग कहे मीरा भाई रे बावरी। सास कहे कुलदासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो तीसरा पद अपना कौन सा है? मीराबाई ने घुंघरू बांधे अपने कुल की लाज की परवाह किए बिना। घुंघरू बांध के मुक्त मन से कृष्ण की मूर्ति के आगे नाची है। तो पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहे मीरा भाई बावरी। लोगों ने मीरा को क्या कहा? बावरी कहा, कि ये मीरा तो क्या हो गई है, पागल हो गई है। सास कहे कुल नासी रे। सास ने भी साथ नहीं दिया। मीरा को क्या कहा? कुल का नाश करने वाली कहा। जहर का प्याला राणा जी भेजिया। राणा जी ने मीरा को बहुत प्रकार से प्रताड़ना दी, जहर का प्याला भेजा। पीवत मीरा हासी रे। मीरा ने हंसते हंसते वो जहर का प्याला पी लिया। सारे जो कष्ट थे, दुख थे, वो हंसते हंसते सहन किए। मैं तो अपने नारायण की, मीराबाई क्या बोल रही है? तो मैं तो मेरे नारायण की क्या हो गई? आप ही हो गई दासी रे। पूरे संसार से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो केवल एक मेरे कृष्ण की दासी बन गई हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। वेग मिलो अविनाशी रे। पग घुंघरू बांध नाची रे। तो मीरा भाई क्या कह रही है? मीरा के प्रभु गिरधर नागर। वेग यानी जल्दी जल्दी से मुझे मेरे भगवान अविनाशी, जिसका कभी विनाश नहीं होता, ये भी कृष्ण के लिए है। तो
मुझे जल्दी से मेरे भगवान प्राप्त हो जाए। तो पहले मीरा कहाँ थी? वृंदावन में थी, बाद में वो द्वारका में आ गई थी और कृष्ण से निरंतर अब वो क्या प्रार्थना करने लगी, हे भगवान मुझे आप जल्दी से मिल जाओ, अब मुझसे ये संसार रूपी कष्ट जो है सहन नहीं हो रहे हैं। तो जल्दी से वैज्ञानिक जल्दी से, हे अविनाशी जिसका कभी विनाश नहीं होता, हे कृष्ण मुझे आप जल्दी से प्राप्त हो जाओ। इसका स्वाध्याय लेखन आपको कर देना है और अच्छी तरह से आप ये पंक्तियाँ गाओगे तो आपको पूरी कविता समझ में आ जाएगी और सभी क्वेश्चन का आंसर आप अच्छी तरह से दे सकोगे। धन्यवाद।